जब शैतान इंसान से चार बातों में से एक हासिल कर लेता है तो कहता है मुझे और की जरूरत नहीं। अव्वल इसका तकब्बुर करना, दोम अपने आमाल को ज्यादा समझना, सोम अपने गुनाहों को भूल जाना, चहारुम पेट भरकर खाना खा के। ये सब की जड़ है क्योंकि बाकी तीनों बातों इससे पैदा होती हैं। अगर इंसान 40 साल की उम्र तक पहुंचकर भी गुनाह ना छोड़े और अपनी सरकशी से ताइब ना हो तो शैतान इसके चेहरे पर हाथ फेरता है कि निजात पाने वाला चेहरे पर फिदा हूँ। आलिम बदखोही की सोहबत से फासे खुश खलक मोहब्बत बद रुझान बेहतर है। इसकी हिम्मत पर कुर्बान जो नेक काम इखलास से करता है। कमजोर पर रहम ना खाने वाला ताकतवर से मार खाता है। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से इस वक्त बचो जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। गरूर के जाम से मस्त हैं और इसका नाम हमने होशियारी रख लिया है। हम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं। कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। हमें ताजीब व शराफत को कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपने नौजवानों को ये बात अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ कि वो खिदमत हिम्मत और वो बर्दाश्त के सच्चे जज्बात का मुजाहिरा करें। ऐसा शरीफाना और बुलंद मिसाल कायम करें कि आपके इल्म हम हसर और आने वाली नस्लें आपकी तलकीन करें। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हम सब मुल्क के मुलाजिम और खादिम हैं।